नमस्कार दोस्तों, वीएसके आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आईएमटी यूनिवर्सिटी के पास गंगानगर में खड़े हैं और आज आपको एक ऐसे प्ले स्कूल के बारे में जानकारी देंगे जो कि बिल्कुल आईएमटी यूनिवर्सिटी के पास है, मेरठ किड्स इंटरनेशनल स्कूल। और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि इसमें टोटली जो है महिला स्टाफ है, यहाँ पे काम करने वाले टोटल जो हैं महिला हैं। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी, आप करें आगे बढ़ने की तैयारी। डे केयर का भी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात कि सेंट पैट्रिक स्कूल में यह स्टाफ जो है पहले वर्क करता था, यहाँ टीचर थे, लेकिन सेंट पैट्रिक स्कूल के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने अपना खुद का प्ले स्कूल शुरू किया, इससे बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जा सके। आइए जानते हैं, स्कूल के एक एक स्टाफ से जानने की कोशिश करेंगे, आपको आज मिलवाएंगे पूरे स्टाफ से, और क्या है खासियत मेरठ किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल की। जानने के लिए देखते रहिए वीएसके आवाज न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका सेठ है, मैं बेगमबाग से हूँ और मेरे पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है। दिव्या मैम जो यहाँ की प्रिंसिपल है एमकेआईपीएस की, मेरठ किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, वो और मैं इकट्ठे सेंट पैट्रिक्स में पढ़ाते थे। तो हमारा आइडिया यही था, हमारा एम यही था ये स्कूल खोलने का, कि हम जैसे सेंट पैट्रिक्स में बच्चों को आगे लेकर गए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बच्चों को आगे लेकर जाएं। और इसमें हमारी हेल्प हमारे चेयरमैन सर जो हैं डॉक्टर मनीष पाठक, उन्होंने की है। ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है जिसे मैंने ज्वाइन किया है, और हम यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल खेल खेल के तरीकों में पढ़ाते हैं। और हमारा स्कूल एक्टिविटी ओरिएंटेड है, बहुत सारी हम इन्हें एक्टिविटीज कराते हैं जिसके थ्रू ये लर्न कर सकते हैं और याद कर सकते हैं अपनी चीजें। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं दिव्या पाठक और मैं प्रधानाचार्य हूँ मेरठ के इंटरनेशनल प्ले स्कूल के। आपका प्ले स्कूल में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या खासियत है आपके प्ले स्कूल में और जो प्ले स्कूल है आसपास? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एक प्ले स्कूल में छोटा बच्चा आता है तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि पास हो और एकदम इजी एक्सेस हो। तो बिल्कुल मेन लोकेशन पे है, मेन रोड पे है, तो पेरेंट्स को कहीं पे भी ढूंढने की या दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजी एक्सेसिबिलिटी है, सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है। दूसरा कि जो बच्चे हमारे पास बहुत छोटी एज में आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट नर्सरी किया है और प्री नर्सरी नहीं किया, उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो बिना किसी प्री क्लास के भी अपने आप ही राइटिंग वर्क स्टार्ट कर चुके हैं इस एज में, इस टाइम तक भी। और बच्चों का अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल बोलूं तो बच्चे अपना स्टेज पे कोई फियर नहीं है, अपनी हर चीज को इतनी इजीली डिस्प्ले करते हैं कि आप बड़े बच्चों को भी देखेंगे ना तो शायद वो स्टेज पे आके थोड़ा सा हिचक जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे इतने कॉन्फिडेंट हैं, एट द सेम टाइम वो अपने कल्चरल वैल्यू से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि उनके पास उनको मंत्रों की नॉलेज, या फिर अपने जैसे हम अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है तो उनको रामायण की भी प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं हम रामलीला सेशन चला के। जी मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी मैथ्स विद बीएड, एक्सपीरियंस मेरा लास्ट 12 इयर्स का है। इनिशियल अगर मैं बात करूं मेरठ पब्लिक स्कूल मेरठ का भी एक्सपीरियंस है, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस है, एंड जो सबसे ज्यादा मैं एक्सपीरियंस काउंट करती हूं दैट इज सेंट पैट्रिक्स एकेडमी, कॉन्वेंट स्कूल है। और कॉन्वेंट में हम लोग सीखते हैं कल्चरल वैल्यूज अलोंग विद द स्टडी पार्ट, पूरा ग्रूमिंग जो होता है पर्सनैलिटी का, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस और वही हम यूज कर रहे हैं। मैं मेरा स्टाफ भी सेंट पैट्रिक्स अकेडमी से ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट कि जो चीजें हमने गेन की अपने एक्सपीरियंस में वो हम बच्चों में भी इनकल्केट कर पाए। सिक्योरिटी के लिए हमारा सीसीटीवी इक्विप्ड पूरा कैंपस है, प्लस एक होता है कि फीमेल्स के साथ जो छोटे बच्चों का हम सिक्योरिटी देखते हैं या फिर कंफर्ट जोन देखते हैं, तो उसे मद्देनजर हमारा जितना भी स्टाफ है सब फीमेल स्टाफ है, एंड दे आर वेरी मदरली, बच्चों के साथ एक मदरली कनेक्शन है उनका, एंड चिल्ड्रन आर वेरी कंफर्टेबल।
भाग्य विधान।